खेल, राजनीति, मनोरंजन और अपराध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। झांसी के मोट कस्बे में एमएलसी प्रत्याशी रमा आरपी निरंजन का नगर में जगह जगह स्वागत किया। पहले भी समाजवादी पार्टी से एमएलसी रह चुके रमा आरपी निरंजन को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद रविवार को वो मोट नगर पहुंचे। नगर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल बाजों के साथ स्वागत किया। क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने भेंट करते हुए पुष्प मालाएं पहनाई। लोगों को संबोधित करते हुए रमा आरपी निरंजन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सत्य के मार्ग पर चलकर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं अपनी विजय के माध्यम से उनके इस विश्वास को सत्य साबित करूंगा। योगी जी की नीतियों ने ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बढ़ावा दिया है। हम सदैव उनके साथ खड़े हैं। देखिए, सबसे पहले मेरी पत्नी रमा निरंजन को एमएलसी का जो उन्होंने दोबारा टिकट दिया है, हम सबसे पहले आपके माध्यम से पूरी बीजेपी सरकार को, बीजेपी के बड़े नेताओं को, चाहे मोदी हों, चाहे योगी हों, चाहे साय हों, चाहे नड्डा हों, चाहे स्वतंत्र देव जी हों, चाहे मौर्य जी हों, सबको हम बारंबार बधाई देते हैं कि वो अपनी नीतियों पे कायम रहे। चाहे यहाँ के लोकल के लीडरशिप हो, सबको हम बधाई देते हैं। सर, मोठ आए हैं, क्या संदेश दिए हैं? अरे, यहाँ मोठ आए हैं, संदेश क्या देना है हमारे? सबसे पहले तो हमने धन्यवाद दिया कि आपने यहाँ हमारे जवाहर राजपूत को भारी मतों जिताया। सबसे पहला हमारा ये संदेश था। और दूसरा संदेश, सबको आमंत्रित करने आए हैं। कल हम लोग नामसन कर रहे हैं, वहाँ करें। और हमारे योगी जी की योजनाएं हैं, जो प्रधान बीडीसी को आगे बढ़ा रही हैं, उनकी योजनाएं बताने आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो चीज़ नहीं है वो हो जाएगी। और जो हम लोगों से कान में कह चुके हैं वो कि बुलडोजर कानपुर रुक गया था, बुंदेलखंड में आ जाएगा तो आ जाएगा। क्या लगता है सर, इस बार कैसा सहयोग मिल रहा है? अरे, हमें कुछ सहयोग पिछली बार हमें 95% मिले, 96% मिलेंगे। एक तरफा है, कहीं कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ज़्यादा कुछ होगा तो प्रशासन है, गलत काम करने वालों को कितनी जान होती है, ठीक है? कोई ज़्यादा समस्या नहीं, गलत काम होता है, सही काम सही होता है। बीजेपी तो सत्य है, सत्य पे विजय होती है। हम लोग उनके वफादार लोग हैं, हम पूरी वफादारी से काम करेंगे। हमको टिकट मिला, हम बारम्बार उनके नमन प्रणाम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं, सारे प्रधान बीटीसी का हमें उन मैन वोटर हैं उनके, वो हमारे मैन वोटर हैं। हम उनकी हर तरक्की में और हन के हर दुख दुख में हम साथ देंगे। जी, हमारा निर्णय है।